चलते हैं अब दोस्तों सिटी टूर लग्जर के लिए। क्रूज़ में स्टे कर लिया, यहाँ लंच कर लिया, क्रूज़ कल सुबह तक यहीं खड़ा है, ब्रेकफास्ट करने के बाद ये निकलेगा यहाँ से। तो आओ चलते हैं अपने टूर पर। ये है हमारा क्रूज, धूप बहुत गंदी है भाई। अब मोहम्मद मेरा वेट कर रहा है अपने गाड़ी को लिए और ड्राइवर के साथ में, देखते हैं वो कहाँ लेके जाता है। और ये सारे प्राइवेट क्रूज यहाँ पे पार्क हैं और ये है सब कुछ। गुड मॉर्निंग, आज मेरा क्रूज में सेकेंड डे और हम लोग निकले हैं किंग्स वैली के लिए। फोटो की तरफ से जो गाड़ी दी गई है ये लोग लेने आ गए टाइम पे, एक जब फिक्स 8 का बोला था और 8 बजे तैयार। लोग जा रहे हैं किंग्स वैली। अभी हम लोग हैं क्वीन हत्शेपसुत के टेंपल पर, देखते हैं।
से ये है हचिपसुत क्यूएन का टेंपल, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। सो ये है क्यूएन हचिपसुत का मंदिर, तीन सेक्शन बना हुआ मंदिर है ये। हचिपसुत जो थी इजिप्ट की पहली लेडी रूलर थी जिसने इजिप्ट पे राज किया और बाद में रोमन्स ने उसको मरवा कर इब्रांडर में ले लिया था। उसके बाद अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर के बाद में क्लियोपेट्रा, ऐसे चलता रहा ये। यहाँ ये पुराना मंदिर हुआ करता था जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय है, और ये हचिपसुत ने खुद ने बनवाया था, पूरा पुराने वाले की ही कॉपी करके इसको बनाया गया है। पूरा पहाड़ को काट कर उसके गोद में बनाया हुआ मंदिर है ये, देखिए 9:07 और धूप इतनी जबरदस्त कि आँख भी खोलना मुश्किल हो रहा है। धूप बहुत तेज है, टाइम हुआ है 9 और धूप इतनी तेज कि आँख भी नहीं खोल पा रहा। यह क्यों हचिपसुत खुद मॉमिफिकेशन के टाइम की है ये शायद। थैंक यू। थैंक यू। बस सब चुका है, कुछ ऐसा सा ही बना हुआ है। जहाँ भी आओगे ये लोग खड़े तैयार मिल जाएंगे, फोटो खींचो और खींचने के बाद बख्शीश, इनका काम यही है।
लेकिन चलो इसमें ये बेनिफिट है कि आपको फ़ोटो अच्छी मिल जाती है इन लोगों को। 5 या 10 इजिप्शियन पाउंड दे दीजिए, ये आपकी काफ़ी फ़ोटो निकाल देते हैं, क्योंकि सिंगल वाले के साथ में ये प्रॉब्लम बहुत होती है और मैं ऑलमोस्ट सिंगल ही घूमता हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है। यहाँ शायद मम्मी को बनाकर उनको सुखाने के लिए रखा जाता था धूप के अंदर, ओपन चैम्बर बोलते हैं इसको। ये वो एरिया है जहाँ पे मम्मी इस पर लेप वगैरह लगाकर उनको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, और इनका जो भी टाइम प्रोसेस होता होगा उसके बाद ये लोग उसको फिर कॉफिन में डालकर या तंबू में डालकर उसको फिर दफना देते थे। यह है किन हजिप्सू का टेम्पल, किन हजिप्सू हालांकि इस मंदिर को काफ़ी प्रिजर्व करने की कोशिश की है और काफ़ी सही कंडीशन में भी है। बाकी जो गीज़ा की हालत है बहुत बुरी है, ये देखिए पूरा आप लॉन्ग व्यू हजिप्सू टेम्पल और उसका कैंपस का। वहाँ से हम लोग गाड़ी से आए, ये रैंप है चलता चलता, और इससे ऊपर होते हुए हम लोग इस फ्लोर पर पहुँचे हैं। सामने ये जो है लकड़ी का बना हुआ ये कुछ कैफेटेरिया वगैरह है, और यहाँ पे ये पुराना मंदिर था हजिप्सू का जो कि ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय है। देखिए सिर्फ कुछ इसके पत्थर भी पूरे नहीं बचे इसके, तो चलते हैं नीचे क्योंकि आज मेरी 2 बजे सेलिंग है क्रूज़ की, तो मुझे जल्दी जल्दी वाइंड अप करके वापस क्रूज़ में पहुंचना भी है। यह है कैफेटेरिया हजिप्सू टेम्पल के बाहर ही है, बाहर के उसके कैंपस के अंदर ही है। इतनी धूप है तेज यहाँ पे कि ज़्यादा घूमने का मन ही नहीं हो रहा, तो वॉशरूम जाके मैं कॉफ़ी पीने आ गया। उसके बाद निकलते हैं किंग्स वैली के लिए। तो हजिप्सू टेम्पल देख लिया और कॉफ़ी पी ली 500 रुपये की, भाई खून जल गया, राख हो गया, पहले पूछा नहीं और सीधा बैठ गया ना। 100 इजिप्शियन पाउंड और कॉफ़ी के, हाय हाय। चलो अब हम लोग जा रहे हैं किंग्स वैली। अल्पास्टर फैक्ट्री मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये लोग बहुत फोर्स करते हैं लेने के लिए कुछ, और मेरा बिल्कुल भी कुछ भी लेने का मेरा मूड नहीं है।
ओवर प्राइस और इतनी खुशी है इन लोगों की, तो मैंने मना कर दिया। अब हम लोग निकले हैं किंग्स वैली के लिए मशीदा के साथ। ये देखिए किंग्स वैली में खान से शायद आगे लगता है, और किंग्स वैली के बाद ये हमारा टूर यहीं समाप्त होता है। और 2 बजे सेलिंग है, और इसके बाद वो इडुफू वगैरह जो भी जैसे रहेगा मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। लग्जर में कुछ भी नहीं है देखने लायक सिवाय क्रूज़ के। अगर आप कायरो 2-3 दिन घूमने हैं तो उसके बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि सब चीज़ें सेम सिवाय पिरामिड के, सब कुछ सेम है। वही खंडर, वही रामसेस की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, वही हचिप्सू की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। तो एक टाइम बाद में फिर थोड़ा सा बोरियत सा आना लग जाता है। ये देखिए पूरा डेजर्ट का इलाका पहुँचने वाला है किंग्स वैली। ये जो भी पहाड़ हैं ये सब लाइमस्टोन के हैं, ये सारा लाइमस्टोन है। और जो भी सकारा और में जो पिरामिड्स बने हुए हैं इसी स्टोन, मतलब वेस्ट बैंक से ये सारा लाइमस्टोन ले जाके इस जोन में जो सकारा है, जहाँ जो मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाए थे, वो पिरामिड्स वगैरह इसी पत्थर से बने हुए हैं। ये टोटल लाइमस्टोन है। और जो ग्रेनाइट है वो आसमान से आता है यहाँ पे। तो जब आसमान चलेंगे तो आपको और भी दिखाएंगे। फिलहाल आप लाइमस्टोन का पहाड़ देख लीजिए, सकारा, गिजा पिरामिड सभी इसी लाइमस्टोन से बने हैं। ये देखिए भंडार है लाइमस्टोन का। ये है किंग्स वैली। यहाँ हेली कैमरा गोप्रो वगैरह अलाउ नहीं है, तो अगेन आईफोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कल बड़ी मशक्क़त के बाद मैंने बैटरी चार्ज की, लेकिन फिर आज में काम नहीं आई। तो कुल मिला के सारा ट्रिप आईफोन से होने वाला है शूट। मुश्किल टिकट ले रही है मेरी। तुतिन खमेन के टूर में जाने के लिए आपको 300 इजिप्शियन पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और बाकी एक टिकट पे 3 रूम यहाँ आप जा सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया, मुझे जो मिल रहा है वो ठीक है। मोहम्मद फर्रुख लो फी हाजा कुल ली लाजन फ्लूस वल हाय। كل واحد طلع
तो ये है किंग ऑफ वैली का पहला टोम। यहाँ एक टिकट पे 3 टोम ही अलाउ है, और अगर आपको फेमस तूतनखामेन का टोम देखना है तो यू हैव टू पे 300 इजिप्शियन पाउंड एक्स्ट्रा फॉर पर्टिकुलर वन टोम। सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है लेकिन कोई बोल नहीं रहा कुछ भी। अब सामने एक टॉम और है, वहाँ भी जाया थे। सामने एक टॉम और है, वहाँ पे चल के आते हैं। गार्ड है लेकिन कुछ बोला नहीं उसने, फोटो वगैरह के लिए मना नहीं करा, सब खींच रहे थे। आराम से 9 का टॉम, काफ़ी बेहतर हालत में है ये। Ela manda, manda. यहाँ से टर्न लेना है हमें वापस, और कुछ नहीं है। सही
ये है तीसरा टूम, बस एक टिकट पर तीन रूम अलाउ हैं, इसके बाद जो दूसरे रूम से उसके चलते हैं और एक्स्ट्रा भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, 380 जिफिल पाउंड इस टाइप से। आफ्टर डेथ ये लोग बिलीव करते हैं कि आफ्टर डेथ एक लाइफ होती है, तो ये बीच में राजा और ये लोग बस उसे वहीं ले जा रहे हैं, आफ्टर डेथ की जो लाइफ है उसको शो करने की कोशिश की गई है। तो तीनों टॉम हुए, सो फाइनली किंग्स ऑफ वैली खलास। जैसे पूरे पहाड़ों को काट काट कर टूम बनाए गए हैं, टोटल यहाँ 12 टूम्स हैं। तो
और इसके साथ ऑलमोस्ट मेरा टूर भी पूरा। अब ये मुझे ड्रॉप कर रहे हैं मेरे क्रूज़ पर। टाइम करीब 11:30 हो गए, फिर देखते हैं 1 बजे लंच के बाद क्रूज़ सेलिंग स्टार्ट कर देगा। धूप बहुत ज़्यादा है,